हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं दीपक की ग्लोबल इमिग्रेशन से आज आपके साथ बात करने आया हूँ प्री अप्रूव्ड LMIAs के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको LMIA के फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा प्लान गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें कि बहुत सारी फील्ड्स के लोग अपना वर्क वीज़ा कैनेडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल LMIAs है, अब मैं उसकी बात करूंगा। हमारे पास ट्रक ड्राइवर्स के लिए प्री अप्रूव्ड LMIAs अवेलेबल हैं, जो कि कनाडा के बहुत से प्रोविंसेस के लिए अवेलेबल हैं। प्रोविंसेस के नाम मैं आपको बता देता हूं: अल्बर्टा, मनीटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया। दोस्तों, प्री अप्रूव्ड LMIAs हमारे पास इन प्रोविंसेस के लिए अवेलेबल हैं। प्री अप्रूव्ड LMIAs से मेरा जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये LMIAs गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की तरफ से पहले से अप्रूव की गई होती हैं। इनमें आपको केवल नाम ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता है। केवल नाम ऐड करके हम लोग LMIA अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है इसमें एक्सपीरियंस की। आपको 2 साल का एज अ हैवी ट्रक ड्राइवर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। आपके पासपोर्ट पे वीज़ा एज अ हैवी ट्रक ड्राइवर स्टैंप हुआ होना चाहिए, और जो 2 सालों का एक्सपीरियंस है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी वैकेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने अगर पिछले 2 साल ट्रक ड्राइवरी की है, उसमें अगर आप 3 महीने इंडिया या अपने घर कहीं पे रह के आए हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर और 9 मंथ्स का काउंट होगा, ना कि 2 साल का। तो आपको प्रॉपर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ के नाम, कौन सी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। दुबई, UAE, सऊदी अरेबिया, मस्कट, बहरीन, कतर। UAE में मैं आपको बता देता हूँ, दुबई, शारजा, अबू धाबी, कहीं पे भी आपकी ट्रक ड्राइवरी होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा आपकी आइल्स के स्कोर की। आइल्स में आपको रीडिंग में 4, राइटिंग में 5, लिसनिंग में 5 और स्पीकिंग में 5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन। दोस्तों, कुछ LMIAs में आपको नो फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है। नो फॉर्मल एजुकेशन से मेरा मतलब है आप 8th और 10th के बेस पे भी अपनी LMIA अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें जो एक मेन रीज़न है ना अप्लाई करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। 8th और 10th के बेस पे अप्लाई की गई LMIAs में आप फ्यूचर में PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं कैनेडा में। और जो LMIA आप 12th के बेस पे अप्लाई करते हैं, उसमें आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट। जो प्रूफ ऑफ फंड्स आपको शो करने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहले आपका बैंक बैलेंस, बैलेंस सर्टिफिकेट, CA रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको किसी भी CA से या आर्किटेक्ट से आपको बनवानी पड़ेगी। अब मैं बात करूँगा इसमें डॉक्यूमेंट्स की। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट है, वो सबसे पहले आता है आपका एक्सपीरियंस लेटर। देखिए दोस्तों, आपको प्रीवियस और करंट एम्प्लॉयर दोनों से आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो विद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बनवाना है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, जो आपका नॉक कोड है, नॉक की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपकी एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर मैंशनड होनी चाहिए। आपका जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए नॉक कोड है वो है 7511। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बताता हूँ। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी सैलरी स्लिप्स की। सैलरी स्लिप्स अगर आपको मिल रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक सैलरी सर्टिफिकेट भी अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। अगर आपको सैलरी बैंक में आती है तो आप अपनी सैलरी की स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो भी चल जाती है। सैलरी स्लिप एक बहुत मस्ट है, आपको ज़रूरी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बात करूँगा PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। दोस्तों, आपने जहाँ पे भी अपने 6 महीने, जैसे आपने दुबई में 6 महीने गुजारे हैं, उसके बाद आप कतर चले गए थे, तो आपको दुबई और कतर दोनों की PCC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद आपकी फ़ाइल कैसे अप्लाई होती है, इसका सारा प्रोसेस। दोस्तों, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होने के बाद हम आपकी फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट करवा देते हैं। इसके बाद आपका एक सबमिशन लेटर जनरेट होता है। वो सबमिशन लेटर आ जाने के बाद आपकी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर आ जाती है। बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर आने के बाद आपका मेडिकल रिक्वेस्ट लेटर आती है और आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। आपका मेडिकल अप्रूव होने के बाद आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आती है और आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। वीज़ा स्टैम्प होने के बाद आप कैनेडा मूव ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर टाइम हम जानकारी देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारा ऑफिस दुबई में भी है, हमारा ऑफिस अमृतसर पंजाब में भी है। आप किसी भी टाइम हमें व्हाट्सएप पे या मोबाइल कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और आने वाले टाइम पे आप कनाडा के और प्रोग्राम्स को जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का नेम है की ग्लोबल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, और आने वाली कोई भी वीडियो के बारे में जानने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता लगता रहे। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।